जय हिंद बच्चों एवं दोस्तों, तो नीट 2023 के बाद न्यू लाइट की नीट 2024 की जर्नी स्टार्ट। और जो हम लोग का ऑल इंडिया पहला टेस्ट हुआ उसमें बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यूपी से और यूपी के बाहर से। यूपी के बाहर से मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम, दिल्ली और राजस्थान, अभी बच्चों को पता नहीं था। और पिछले साल हम लोग की जो टेस्ट सीरीज थी, हिंदुस्तान के हर स्टेट के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मेरे प्यारे बच्चों, टाइम बहुत कम है और जब ये कहते हैं कि लंबी दूरी हो तो उसको थोड़े पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए। नीट में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। हमारे साथ विजय सर हैं जो केमिस्ट्री के बहुत सीनियर टीचर हैं। तो हम लोग कल यही डिस्कस कर रहे थे कि अब दाएं बाएं की चीज़ें छोड़कर पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से आ रहा है, इसलिए अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन ही पढ़ाएंगे। बच्चों देखिए, आपको क्या आता है, हम सब क्या पढ़ाते हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट ये पूछा क्या जाता है और शायद यही नेचुरल सिलेक्शन होता है। तो पहला तो हमारा मैसेज है कि बड़े बड़े मॉड्यूल और सारी चीज़ों को छोड़कर चुपचाप एनसीईआरटी पकड़ के फोकस करिए। और हमारे यहाँ कुछ सेलेक्टेड बच्चे भी हैं जो मिलने आए थे, इन लोगों ने भी यही कहा कि सर अभी तक हम लोगों ने जो दो तीन साल पढ़ा इधर उधर चीज़ें सब बेकार है, अगर बच्चा डे वन से एनसीईआरटी में फोकस करे तो बहुत आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है। तो ये बात लोगों को बहुत बाद में समझ में आई। विजय सर क्या कह रहे हैं, आपने भी पेपर देखा होगा, इसमें कितनी सच्चाई है? सर पूरी पूरी सच्चाई है। इस बार का तो मेरे ख्याल से पूरा पेपर एक आध पॉइंट छोड़ दिया जाए वो भी इंक्लूडेड है, पूरा पूरा एनसीईआरटी से ही है। और हम बच्चों को बताएं कि अभी हमारे घर पे चार बच्चे पूरा एनसीईआरटी की लाइन काट के ऐड कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस लाइन से आया। तो हम तो ये कहेंगे कि अब हम लोग जो नोट्स लिखवाते हैं वो भी बंद करें, क्या पता लैंग्वेज में चेंज आए, चुपचाप एनसीईआरटी को ही पढ़ाएं। क्योंकि अपना पढ़ाना विजय सर आसान होता है, जो हमको आता है हमने पढ़ा दिया, तो वो तो कम्फर्टेबल है ना, कम्फर्टेबल है, तो हम लोग को भी कम्फर्टेबल जोन से बाहर आना पड़ेगा। जी सर, है ना। और थैंक यू सर। क्या नाम बेटा? सर इंद्रजीत कौर चौधरी। सर हमारे साथ इंद्रजीत हैं। तो बच्चे सुबह से वेट कर रहे थे, कितना स्कोर करो बेटा नीट में? सर 645 आ रहा है। 645, वेरी गुड। पेपर देने के बाद क्या लगा, एनसीईआरटी से कितना पेपर सिमिलर होता है? सर मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई पहले साल ही पूरी तरह से एनसीईआरटी पर फोकस्ड हो जाए तो उसे ड्रॉप लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही बात। यस सर। और ये बात समझाना दोनों लोगों को मुश्किल होता है, टीचर को भी बच्चों को भी। यस सर। हैं क्यों विजय सर? तो विजय सर हम लोग तैयार हैं एनसीईआरटी के लिए? वेरी गुड। हमारे साथ वैष्णवी है जो 678 स्कोर कर रही है। यस सर। और वैष्णवी ये बताओ कि क्या लगा पेपर देखे? एनसीईआरटी मस्ट है, मॉक टेस्ट मस्ट है, एनालिसिस मस्ट है, ये कर लिया तो सिलेक्शन मस्ट है। क्या बात है, एनसीईआरटी मस्ट है, मॉक टेस्ट मस्ट है, पेपर एनालिसिस मस्ट है, अगर ये कर लिया तो सिलेक्शन मस्ट है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा जी। कुछ भगवान की कृपा है कि जो हम बोलते हैं, अभी हमने एक दिन पहले वीडियो डाला था कि अब सिलेक्शन फाउंडेशन बैच से भी होगा, ये हम नहीं करें, फाउंडेशन बैच से ही होगा। SRB तो लीड करेगा ही, इस बार फ्रेशर बैच से भी सिलेक्शन होने जा रहे हैं। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हमारी एक बच्ची है अर्चिता जिसे टॉप किया, तो पहले तो इसको जोरदार ताली बजाएं, 705 आउट ऑफ 720। और ये हमारे 12th बैच की बच्ची है, जब इसने 11th में एडमिशन लिया तभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि ये बच्ची कुछ करेगी और कुछ हम बोल पाते हैं बच्चों के दम पे। तो बेटा बताओ, पहली बात तो कैसा लग रहा, बहुत बहुत बधाई। और जान लगा दोगे? बिल्कुल। यस सर। पक्का? पूरी कोशिश करूंगी। पक्का? यस सर। एनसीईआरटी से दाएं बाएं तो नहीं जाओगे? नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी और पूरी फोकस से सिर्फ एनसीईआरटी हमेशा। नहीं, मान लो फिर कोई कह दे 2023 में आ गया, 24 में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एनसीईआरटी से ही आएगा। नहीं तो फिर तुम बोल देना कि 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। देखिए 22 में कूबा दीदी है KGMC में, इन लोगों को भी 2-3 साल लग गए, केवल इसलिए कि एनसीईआरटी के दाएं बाएं गए ये लोग। क्योंकि बेटा बिल्कुल क्लियर कट बात है कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। तो बेटा बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और कूबा हमारी स्टूडेंट है KGMC में, तो सीनियर होने जा रही है, कूबा से कहें कि इसको फर्स्ट प्राइज दे। वेरी गुड।
इसके बाद सेकंड हाईएस्ट अगेन फ्रॉम ट्वेल्थ बैच, तो इसका मतलब ट्वेल्थ बैच रॉक करने जा रहा है अनुष्का कटियार। अनुष्का ने टोटल स्कोर किए हैं 700, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अनुष्का को प्राइज देगी वैष्णवी, जो केजीएमसी में या उससे भी अच्छे कॉलेज में इस बार जाने वाली है। हाथ मिलाओ दीदी से। क्या हाल है बेटा बताओ? सब बहुत अच्छा। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? वेरी गुड। तो इसको पीछे करना अगले टेस्ट में? यस सर, बिल्कुल। ये है, और टीचर का काम ही होता है बच्चों को आपस में लड़वा दो, हैं आनंद लेते रहो। तो ठीक है, देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है। लेकिन बेटा अगला जो टेस्ट होगा उसमें बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, तो अभी से सीरियस हो जाएगा आप लोग। बधाई बेटा। थैंक यू। सेलेक्ट तो हो ही जाओगे तुम लोग, रैंक बहुत अच्छी लानी है। इसके बाद हमारे साथ है, क्या नाम बेटा? अदीबा रिजवान। किस मैच में हो? सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी। टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया है। और ट्वेल्थ कब किया? सर ट्वेल्थ 2022 में करा है। तो अजीब नहीं लग रहा, देखिए जो ट्वेल्थ में बच्चे हैं उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं। यस सर। हैं? यस सर। अगला टेस्ट अच्छा करेंगे? यस सर। पक्का? यस सर। वेरी गुड। तो ये बच्ची हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज की स्टूडेंट है और इसने स्कोर किया है 696। तो बहुत अंतर नहीं है भाई, 696, 700, 705, एक एक सवाल का अंतर है, राइट? और हमारा बच्चा इंद्रजीत ये प्राइज देगा दिया को। फोर्थ रैंक पे हमारे साथ हैं सुभी। यस सर। किस बैच पर बेटा? M3 बैच। यस सर। कैसा लग रहा है इन बच्चों को देख के, टॉप कर रहे हैं ट्वेल्थ के बच्चे? यस सर। मेहनत करनी पड़ेगी ना? यस सर। ट्वेल्थ में अभी रिजल्ट आया 94 है। 12th में 94%। यस सर। वेरी गुड। 12th किस स्कूल से? सेंट जोसेफ औरैया में है। औरैया से? यस सर। कैसा लग रहा है न्यू लाइट में? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए अभी लोगों ने पढ़ना शुरू किया, हमने आपका पहला टेस्ट करा दिया। यस सर। ठीक है, अच्छा करेंगे। यस सर। ठीक है, विजय सर बच्चे को प्राइज दीजिए जरा। कोई भी इसके बाद अगेन फ्रॉम ट्वेल्थ बैच, क्या नाम बेटा? यसी सिंह। कितना स्कोर किया? 690। तो तुम लोगों सब एक एक नंबर का डिफरेंस है, तो देख लो एक नंबर कितना डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, अगला टेस्ट और अच्छे से देंगे। ग्रेट, बहुत बहुत बधाई। क्या नाम बेटा? पूर नफीस। ट्वेल्थ बैच? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने नंबर आ रहे हैं बेटा? 686। तो सब में एक एक नंबर का अंतर है। अच्छा करेंगे अगला टेस्ट, पक्का? तो ये हमारे रेगुलर और फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं और गांव के बच्चों को केवल इसीलिए लग जाता है 5 साल, क्योंकि उनको लगता है जैसे नीट कोई बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों नीट बहुत छोटी चीज़ है अगर सही लाइन लेंथ में आप तैयारी करिए। ठीक है, तो बच्चों ऑल दी बेस्ट। कुबा थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इंद्रजीत, वैष्णवी, और आप लोग बच्चों अब जान लगा दो। बताओ जान लगा दोगे? यस सर। मेहनत करोगे रात दिन? यस सर। कोई कुछ कहेगा एनसीईआरटी से बाहर तो नहीं जाओगे? नो सर। पक्का? यस सर। ग्रेट, चलो हाथ फैलाओ, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये एक इको सिस्टम है न्यू लाइट का, सेकेंड ईयर का बच्चा भी, फर्स्ट ईयर का बच्चा भी। इन लोगों को देख के कैसा लग रहा है? अगर दीदी भैया लोगों ने किया था तुम लोग भी कर लोगे? yes, पक्का? yes, टेस्ट कोई नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन 2-3 साल से नहीं हुआ है उनसे यही कहेंगे कि वो चुपचाप एनसीईआरटी पे फोकस करें और टेस्ट दें, और टेस्ट पेपर की एनालिसिस ज़रूर करिए। आज ही बच्चों हमने वीडियो डाला, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक एक क्वेश्चन 4-4 बार पूछा गया है। ठीक है, आप उसको ज़रूर देखिए नीट वर्सेज न्यू लाइट, और केमिस्ट्री में भी आपको दिखा देंगे और फिजिक्स में भी कि पेपर कितना सिमिलर होता है नीट के। और ऐसा इसलिए नहीं कि कुछ हमें पता होता है या किसी को पता होता है, बस हमें इतना पता है कि पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो हम लोग भी पेपर एनसीईआरटी की लाइन से बनाते हैं। ठीक, तो बच्चों अगर नंबर कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर दीजिए, और फुल एंड टेस्ट बहुत ज़्यादा कराने वाले इस बार, आपको जल्दी वीडियो बना के देंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, जय हिंद। थैंक यू बच्चों।